हे ऑल इट्स ओवर बेटा कॉमर्स वाला एंड यार लर्न टू अर्न प्रोग्राम में मैंने आपको इन तीनों ट्रैक के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आज की वीडियो में आपको मशीन लर्निंग ट्रैक की एक लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो यार ये हम लोग का मशीन लर्निंग का ट्रैक है, इसमें मैंने स्टार्टिंग की 5 लैब और लास्ट लैब का सॉल्यूशन बना दिया है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में आपको 6 लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। सो यार वीडियो शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उनको चेकआउट कर लेना। और अगर चैनल पर नया होना चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार इस पर को लैब का नेम कॉपी करते हैं, कैटलॉग में पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, लैब पर क्लिक करना। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 टास्क हैं जो हम लोगों को परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो वापस आना है लैब को, स्टार्ट करना। सेटअप में हम लोगों को क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है और उसके बाद पहला टास्क है इनेबल गूगल क्लाउड सर्विसेज। तो पासवर्ड कॉपी करेंगे, ओपन गूगल कंसोल करेंगे, इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे। सो यार कंसोल ओपन हो गया है, अब क्लाउड सेल को एक्टिवेट करते हैं, इस पर क्लिक करना। सो यार क्लाउड सेल एक्टिवेट हो गया, दोनों बेसिक कमांड्स को रन करते हैं, जी क्लाउड ऑथलिस्ट इसको ऑथराइज कर देना एंड सेकंडली जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको आपकी प्रायोरिटी शो हो जाएगी, ठीक है। अब पहले टास्क में जो गूगल क्लाउड सर्विसेज को इनेबल करना है उसके लिए इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, सर्विसेज सारी इनेबल हो गई, ठीक है। सेकंड टास्क है डिप्लॉय वर्टेक्स नोटबुक इंस्टेंस, इसमें एक इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स एआई में जाएंगे, वर्कबेंच पर जाएंगे, तो यहां पे सर्च करना वर्टेक्स एआई, देन इस पर क्लिक करना। वर्टेक्स एआई का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, अब वर्कबेंच पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू नोटबुक पर क्लिक करेंगे, फिर टेंसरफ्लो इंटरप्राइज में 2.3 विद एलटीएस विदाउट जीपीयूस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रीजन रहेगा यूएस सेंटर 1, जोन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर क्रिएट पर क्लिक कर देना। इसमें न्यू नोटबुक पर क्लिक करना, फिर टेंसरफ्लो इंटरप्राइज 2.3 विद एलटीएस विदाउट GPUs पर क्लिक करेंगे। रीजन में यूएस सेंटर 1 को सिलेक्ट करना, जोन को यही रहने देना जो है, ठीक है। और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देना, इसको क्रिएट होने में 4-5 मिनट लगेंगे। उसके बाद ओपन जोटल ऐप पर क्लिक करेंगे, ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका इंस्टेंस क्रिएट होगा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ओपन जोटल ऐप पर क्लिक करेंगे, सो हम लोग का इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, अब ओपन जोटल ऐप पर क्लिक करेंगे, ये टास्क कंप्लीट हो गया है, चेकअप प्रोग्रेस करा लेते हैं, डन। अब एक रिपोजिटरी क्लोन करना है, पहले सीडी करेंगे फिर रिपोजिटरी क्लोन करेंगे, इस कमांड कॉपी करना। सो यार जुप्टर लैब ओपन हो गया है, इसमें टर्मिनल पर क्लिक करना, जो कमांड कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, पहले सीडी किया फिर रिपोजिटरी क्लोन किया, जो भी फाइल्स डाउनलोड होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग को ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में क्वेस्ट में वर्टेक्स एआई, वर्टेक्स पीक्यूएमएल और फिर एक फाइल है जिसका नाम होगा लैब एक्सरसाइज, उसको ओपन करना है। सो आप देख सकते हैं हम लोग की रिपोजिटरी क्लोन हो गई है, इस वाले टास्क को चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, हो गया, ठीक है। अब ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट पर क्लिक करना, डबल क्लिक करना, क्वेस्ट पर क्लिक करना, वर्टेक्स एआई पर क्लिक करना, फिर वर्टेक्स बीक्यूएमएल पर क्लिक करना और ये फाइल है इस पर क्लिक करना, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपको यही फाइल रन करानी है बाकी सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जितने भी सारे टास्क हैं ऐसे ही कंप्लीट होंगे। तो यार ये फाइल है अपनी, रन कैसे कराते हैं, दो तरीके हैं। जैसे अपना पहला टास्क है तो उसको रन कराने के लिए या तो शिफ्ट प्लस इंटर आप दबा सकते हैं या तो फिर आप इस पर्टिकुलर आइकन पर क्लिक करके रन करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं शिफ्ट प्लस इंटर से रन कराऊंगा, जब तक एस्ट्रिक साइन हो रहा है मतलब ये रन हो रहा है। अब इसको रन करेंगे, ये भी रन हो गया, अब इसको रन करेंगे, ये रन हो रहा है, अभी रन हो गया। जब तक एक कमांड रन होगा तब तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, डन। अब इसको रन करेंगे, बकेट हम लोगों की क्रिएट हो गई। अब इसको रन करेंगे, डन। अब इसको क्रिएट करेंगे, डेटा सेट हम लोगों का क्रिएट हो गया। अब इसको रन करेंगे, डन। नाउ दिस वन, इस पर्टिकुलर कमांड का ऐसा आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। फिर नीचे आना, इसको रन करना, इसका ऐसा आउटपुट जनरेट होगा, फिर नीचे आना, इसको रन करना, ये रन हो रहा है, ये रन हो गया है और इसका ये आउटपुट जनरेट हुआ है, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, ये आउटपुट जनरेट होगा। नाउ दिस वन, ये आउटपुट जनरेट होगा। अब इसको रन करेंगे, ये आउटपुट जनरेट होगा। अब इसको रन करेंगे, ये आउटपुट जनरेट होगा। नीचे आना, इसको रन करना, ये आउटपुट जनरेट होगा। अब इसको रन करेंगे, इसका ये आउटपुट जनरेट होगा। नाउ दिस वन, इसका ये आउटपुट जनरेट होगा। नीचे आना, पहले हम लोग मॉडल नेम को कंफर्म करेंगे, इसको रन करना, ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर कमांड से हम लोग का मॉडल क्रिएट होगा, ठीक है। इसको रन करेंगे और मॉडल को क्रिएट होने में यार टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लग सकते हैं अप्रोक्स। सो यार हम लोग का मॉडल क्रिएट हो गया है और इसको क्रिएट होने में 1000 सेकंड्स लगे, अप्रोक्स 15-20 मिनट लगे, ठीक है। और अगर इसको रन करने के बाद एक बार आउटपुट आए तो इस पर्टिकुलर क्यूरी को फिर से रन कर लेना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, हम नीचे आते हैं, इसको रन कराते हैं, ये रन हो गया, इसका ये आउटपुट जनरेट हुआ। हम नीचे चलते हैं, इसको रन कराते हैं, ये भी रन हो गया, इसका ये आउटपुट जनरेट हो गया। नाउ दिस वन, इसका ये आउटपुट जनरेट हुआ। अब इसको रन कराते हैं, डन। अब इसको रन कराते हैं, इसमें ये आपको ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है। नीचे आना, इसको रन कराना स्विफ्ट प्लस इंटर की मदद से या तो इस पे क्लिक करके, ठीक है। ये रन हो गया, इसका ये आउटपुट जनरेट हुआ। अब जनरेट करेंगे बैच प्रेडिक्शंस को, उसके लिए इस कमांड को रन करना, इसमें ये आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है। अब नीचे आना, इसको रन करना, सो ये कमांड रन हो गया है। अब नेक्स्ट टास्क में एक्सपोर्ट ए बीक्यूएमएल मॉडल टू वर्टेक्स एआई फॉर ऑनलाइन प्रेडिक्शंस, उसके लिए पहले इस पर्टिकुलर कमांड को रन करेंगे, ये रन हो गया। अब इसको रन करेंगे, करंट स्टेटस डन शो हो गया, ये कमांड रन हो गया। अब मॉडल को अपलोड करेंगे गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट से, तो इसको रन करना, ये हो गया। अब इसको रन करेंगे, मॉडल क्रिएट होने लगा और ये रन हो गया है। अब यहाँ पे रुकते हैं, एक बार चेक में प्रोग्रेस कराना शुरू करते हैं, देखते हैं कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, हो गया। नाउ दिस वन, डन। अब इसको कराते हैं,
हो गया। अब लास्ट में इसको रंग कराते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, तो यार अपनी लैब कंप्लीट हो गई है, मैंने यहाँ तक चेक में प्रोग्रेस कराया है। ठीक है, यहाँ तक करा लेना, फिर सबको चेक में प्रोग्रेस करा लेना, आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के आपको चेक में प्रोग्रेस कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैब को एंड करते हैं। सो यार अपनी लैब का सोल्यूशन था, सोल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।